आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वहीं नंदकिशोर यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन कर रहे हैं। कुल मिला के जो यहाँ का दृश्य है वह काफ़ी उत्साहित है, लोग उल्लासपूर्ण माहौल है और लोग नंदकिशोर यादव जी को बधाई दे रहे हैं नई दायित्व के लिए, एक नई जिम्मेवारी है। तो पटना साहिब की जनता ये जानती है कि क्षेत्र का विकास होगा और वो दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से माननीय विधायक जो विधानसभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं उसको किस तरह से तमाम कार्यकर्ता काफी उल्लास है, काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनको स्वागत समारोह मनाया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। नंदकिशोर जी को बना दिया गया विधानसभा के स्पीकर, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी पटना साहिब की जनता में? देखिए, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक, जन जन के नेता, हम सबों के अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार के कई विभागों के वरिष्ठ मंत्री रहे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व ने एक नया दायित्व दिया है, एक नई जिम्मेवारी दी है, वो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वहीं नंदकिशोर यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन कर रहे हैं। कुल मिला के जो यहाँ का दृश्य है वह काफी उत्साहित है, लोग उल्लासपूर्ण माहौल है और लोग नंदकिशोर यादव जी को बधाई दे रहे हैं नई दायित्व के लिए, एक नई जिम्मेदारी के लिए। नई जिम्मेदारी के साथ पटना साहिब का विकास और दुगना होगा। देखिए, नंदकिशोर यादव जी की प्राथमिकता रही है विकास, विकास के साथ कार्यकर्ताओं के दुख सुख में भाग लेना उनका उद्देश्य रहा है, उनका USP है। तो नंदकिशोर यादव जी को कोई पद मिलता है तो पटना साहिब की जनता यह जानती है कि क्षेत्र का विकास होगा और वो दिखेगा। क्षेत्र का विकास होगा और वो विकास दिखेगा, ये कहना था भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि पटना साहिब का विकास अब दुगनी रफ्तार से होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से वो 7 बार से विधायक हैं और कई मंत्री कई विभागों में वो पद पर रहे हैं और इस बार विधानसभा के स्पीकर बनाए जाने पर तमाम खुशियां, तमाम लोगों में काफी जोश है। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूँ आपके साथ अमित खत्री। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।